Hey guys, welcome back to my Prajapati family. So guys, आज की वीडियो में कुछ अलग है. Actually guys, आज मेरा इंग्लिश का एग्जाम है और मैंने पहले सोचा कि मैं क्या करूँ, पर तो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ रही हूँ. मैंने कल ही सोचा, मतलब ऐसा सबके साथ होता है. मतलब मैं पहले इतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट मेरा 12th का ऐसा अभी तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है. सो आप देख सकते हो, तो अभी क्या कर सकते हैं. मतलब लास्ट टाइम पे पढ़ने में मतलब मजा भी आता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं तैयार मतलब कर पाएंगे पूरा प्रिपरेशन या कि नहीं कर पाएंगे. मतलब मैंने मतलब क्या बताऊं मैं. तो आज मेरा एग्जाम है और एग्जाम टाइम 2 बजे से स्टार्ट है. एग्जाम मतलब मेरा आफ्टरनून में होता है, मॉर्निंग में नहीं होता है. तो ये भी अच्छा है कि उस दिन थोड़ा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, बट उतना नहीं, मजा भी नहीं आता. मतलब सुबह से हो जाए एग्जाम, उसके बाद खत्म करो तो ज्यादा अच्छा रहता है. लेकिन अभी 2 बजे से है तो बस 2 बजे जाएंगे. एक्चुअली ये मेरा सेकंड एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम हिंदी का था. सो वो उसमें इतना दिक्कत नहीं था. मतलब मैंने आराम से पढ़ के, मतलब उसका तो इतनी ज्यादा जल्दी हो जाता है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो सब तैयारी हो गया था. बट इसका थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरी इंग्लिश ना बहुत खराब है, बहुत वीक है. और फिर ये तैयारी करना, समझ सकते हो, समझ रही हो. हाँ वही तो, बस अभी यही चल रहा है. मैंने मॉर्निंग से मतलब आज मैं लेट भी उठी, नाइट में मैंने 12 बजे तक किया था कवर. वैसे भी कर लेते हैं जब मोबाइल चलाते हैं तो 1-2 बजे तक कवर कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मैंने 12 बजे तक कवर किया था नाइट में. और मॉर्निंग 7 बजे उठी हूँ. सो आई होप हो जाएगा मेरा इतना. मतलब इतना ज्यादा मतलब मैंने कर तो लिया है, बट मुझे खुद पे है कि मैं कर लूंगी, लेकिन इंग्लिश पे नहीं है कि इंग्लिश सही जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या लिखूंगी क्या नहीं लिखूंगी. यही सोच के बस दिमाग खराब हो रहा है, बस हो जाना चाहिए. सो अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है, अभी 8 बज गया है और अभी तो बहुत टाइम है मुझे. मतलब अभी कंटिन्यू थोड़ा पढ़ लूंगी तो मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा. वैसे तो हो चुका है, बट थोड़ा फिर से रिपीट कर लो ना तो ठीक रहता है, उस टाइम तक भूलू ना, क्योंकि मैंने एक दिन में पढ़ा तो एक दिन का पढ़ा तो तुरंत दिमाग से निकल ही जाता है. हमें ये याद भी रहता है कि रात को क्या खाया था, तो फिर ये क्या चीज है. तो अभी चलो, अभी फिलहाल मैं स्टडी करती हूँ और मिलूंगी आपको एग्जाम के टाइम पे जब मैं रेडी होके जाऊंगी, क्योंकि रेडी होके ही जाऊंगी, अभी स्कूल में जा रही हूँ तो जब मिलते हैं. सो गाइस, आई एम रेडी, मैं तैयार हो गई हूँ फाइनली. मतलब अभी 1 बज रहा है लेकिन मैं ज्यादा जल्दी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मतलब यहाँ से 1:30 पे निकल जाएंगे, 2 बजे से स्टार्ट है एग्जाम, लेकिन मुझे जल्दी होती है, मैं तैयार हो जाती हूँ उसके बाद बैठी रहती हूँ. सो अभी अब थोड़ा और एक बार और रिवीजन कर लूंगी जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर तो वो एग्जाम में पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आंसर मैं कैसा देती हूँ. सो विश अच्छा जाए. सो अभी जाएंगे जब तो सब मिलेंगे, अभी तो फिलहाल बस मैं पढ़ रही हूँ. मैंने खाना भी खा लिया है क्योंकि भूख लगी थी. भूख ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम के चक्कर में, मैं नहीं भूलती हूँ भूख, बहुत से भूख भी भूल जाते हैं कि खाना सब छोड़ कर एग्जाम, मतलब मैं नहीं भूलती, मुझे तो भूख लगाती है. सो मैंने खा लिया है और अब बस थोड़ा और स्टडी करना है. मतलब मैंने मतलब इतना पढ़ा है फिर भी मुझे लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा है, मैं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बाद में, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर को देख के याद आता है कि भूलती हूँ, वो उस टाइम पे पता चलने वाला यार. तो अब बस देखते हैं और फिर जैसे ही निकलते हैं, मतलब मैं यहाँ से 1:30 पे निकलूंगी तो 1:30 पे मिलते हैं जाते वक्त. तो गाइस फिलहाल जाने का टाइम हो गया है, भैया ने स्कूटी निकाल दी और मैं जा रही हूँ स्कूटी से. तो मिलेंगे डायरेक्ट स्कूल के सामने, मैं आपको दिखाऊंगी फिर स्कूल. तो अभी चलते हैं. सो गाइस फाइनली एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, पेपर लीक हो गया है जिसमें आज का पेपर पोस्टपोन हो गया है और पता नहीं कब होने वाला है. सो आज तो फाइनली छुट्टी है और सब देख सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है, सब लोग वापस जाने वाले हैं और इनको खुशी देखो इनकी, ये देखो इनकी.
तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पूजे पेपर लिख क्यों हो गया बोलो क्यों लगता है पेपर बोलो गाइस अंदर हमको भरा यार कभी बोलो ना आपको क्या लगता है पेपर क्यों कैंसिल किया गया सर ने बोला कि लीक होना था तो हो गया आपको क्या लगता है तो गाइस यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए वो भी आ गए हैं अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए तो गाइस यहाँ पे रिपोर्टर भी आ गए हैं कि आई ड्रेस लीक हो गया है किस वजह से हो गया है तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है वैसे फाइनली हम लोग तो जाने वाले थे क्योंकि अब लीक हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं हम लोगों तो बोल दिया है कि पोस्टपोन हो गया है अब लास्ट एग्जाम होगा इंग्लिश का तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी बस एक्चुअली हम लोग को खुशी भी हो रही है कि पेपर लीक हो गया है बट थोड़ा दुख भी है कि हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था आपको पता है मैंने स्टडी की थी पढ़ी थी यार तो बस अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग बस जाने वाले हैं लेकिन थोड़ा मजा आ रहा है हम लोग यहाँ पर रुक के सर का कहना है पेपर लीक होना था तो हो गया वो नहीं हो गया मैंने ये छोड़ के पढ़ाई की रुक 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 तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी स्कूल के सामने खड़े होके क्या करेंगे तो अभी तो वैसे भी पता चल गया है कि अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैसे छोड़ने भैया आए थे लेकिन फिर भैया चले गए और फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ अभी ड्राइवर अंकल जल्दी जल्दी ड्राइवर आंटी जल्दी जाओ मैंने अपना हार्डवर्ड और किट उसी की स्कूटी में रख दी थी अभी वो लोग वहां खड़े हैं और मैं यहाँ लेने जा रही हूँ सो गाइस अभी फिलहाल घर पे आ गई हूँ मैंने चेंज भी कर लिया है क्योंकि अब ड्रेस पहन के क्या करती स्कूल से तो वापस वैसे ही आ गई हूँ तो कुछ नहीं हुआ मतलब आपको पता ही है मैंने सोचा क्या था कि ब्लॉग बताऊंगी आपको कि आज का मेरा इंग्लिश का क्योंकि मेरी इंग्लिश ना बहुत वीक है मैं सोच रही पता नहीं कैसा जाएगा एग्जाम और एक नई ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि एग्जाम पेपर लीक हो गया है ये भी बहुत गलत हुआ है क्योंकि जितने भी मतलब सबने बहुत ज्यादा तैयारी किया एग्जाम टाइम पे सभी पढ़ते हैं तो सबने किया और फिर ये हो गया अभी मतलब फिर से एग्जाम होएगा पोस्टपोन हो गया है लास्ट एग्जाम होगा बोला था कि अभी डेट तो नहीं बताया क्लियर कि कब होगा बट अब लास्ट होगा तो अभी तब देखते हैं कि क्या होगा फिर से पढ़ना पड़ेगा सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो एक ब्रेकिंग न्यूज मिली हो वो अच्छी लगी हो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक चैनल सब्सक्राइब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय।